Yes, we start don't start from the very big bigger amount, but yes, we do have a different kind of bonuses plan. Basically, इंटरव्यू इसीलिए लिया जाता है कि हम स्किल्स को मॉनिटर कर सके. स्टार्ट फ्रॉम 20K एंड देर इज नो लिमिटेशन. स्काई इज द लिमिट, यू नो, एंड यू कैन अर्न इवन 80K, 90K, 100K, बट इट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स एंड हार्ड वर्क यू आर डूइंग, बिकॉज इट्स रियली हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द इंटरव्यू सिनेरियो. उसमें ये है कि बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं होती हैं, और न्यू फ्रेशर से तो जस्ट वी वांट के इतना कैलिबर रखता है कि वो हमारी बात को समझ पाए और हमें बात समझा पाए. दैट्स इट. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, हमारा पाकिस्तान से बासित मलिक आपकी खिदमत पे एक बार फिर हाज़िर है। नाज़रीन, पिछली मैंने वीडियो बनाई थी कॉल सेंटर पे, तो उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, काफ़ी सारी लोगों ने सवालात किए हैं कि कॉल सेंटर में एज क्राइटेरिया क्या होता है, कॉल सेंटर में अगर बंदे को इंग्लिश नहीं आती तो वो क्या काम कर सकता है, अगर वो उसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए बंदे की कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए। तो ये जो चंद सवालात मैंने मेन उठाए, इन्हीं सवालात के आंसर आज मैं आपको दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देता हूँ, वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ की HR से भी मैं आपको मिलवा दूंगा, उनसे भी कुछ डिटेल ले लेंगे, सैलरी के हवाले से, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, ये सारी डिटेल आज मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या होता है। कॉल सेंटर में आने के लिए एज क्राइटेरिया कोई नहीं होता, आप अगर अंडर 18 भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल यह है कि क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए। तो तालीम भी कोई यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है तालीम की, आपने मैट्रिक की हुई है, आपने इंटर की हुई है, आप अंडर ग्रेजुएशन है, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, तब भी आप कॉल सेंटर में काम कर सकते हैं, जो तालीम का है उसका कोई लिमिट नहीं है तालीम की। अच्छा, तीसरा जो सवाल है वो मेन सवाल है, वो सवाल ये है कि आया कि बंदा कॉल सेंटर में अप्लाई करता है तो उसको उसके लिए इंग्लिश उसको इंग्लिश आना और बेहतर इंग्लिश आना ज़रूरी है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि ये जो कॉल सेंटर होता है इसका एक स्क्रिप्ट होती है, जिस स्क्रिप्ट के ऊपर ये काम करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें, अगर यू फोन से आपको कॉल आती है, आपको जैज से कॉल आती है, तो वो नुमाइंदा आपसे बात करता है, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जैज से बात कर रहा हूँ और फलानी फलानी, अपना इंट्रोड्यूस कराता है, अपनी कंपेन जिस पे वो रन कर रहे होते हैं उसका इंट्रो कराता है। तो इसी तरह से इनकी भी एक इसी तरह से स्क्रिप्ट होती है, जिसको स्क्रिप्ट को हम वो मद्देनज़र रखते हुए उस पर काम करते हैं। तो वो स्क्रिप्ट जो होती है, जब कोई नया एजेंट आता है, फ्रेश एजेंट, जो लोग काम कर चुके हैं ऑलरेडी, वो तो जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन जो नए लोग आते हैं उनको ये कन्फ्यूजन होती है। तो भाई, जब आप इंटरव्यू दे देते हैं और जब शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं काम करने के लिए, तो आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, और बाकायदा हर कॉल सेंटर में एक ट्रेनर होता है, वो आपको ट्रेन करता है। जो मैक्सिमम ट्रेनिंग होती है वो 8 से 10 से 15 दिन ट्रेनिंग चलती है, वो आपको बाकायदा से ट्रेन करते हैं कि किस तरह से काम होता है, किस तरह से आपने सिस्टम पे बैठना है, किस तरह। थैंक यू सो मच फॉर होल्डिंग ऑन, दिस इज आवन मिकल ऑन रिकॉर्डिंग लाइन, सो हाउ आर यू डूइंग टुडे। किस तरह से जो है वो डायलर काम करते हो, किस तरह से आपने बैठ के काम करना है कॉल सेंटर में बैठ के, आप अमेरिका में जब कॉल करते हैं तो किस तरह से आपने काम करना है, ये सब कुछ आपको जो 8 से 10 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग होती है उसमें सब कुछ आपको बताया जाता है, ट्रेन किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर होल्डिंग ऑन, दिस इज तो जो लोग इंग्लिश नहीं जानते, इंग्लिश बोलना नहीं जानते, अगर थोड़ी बहुत इनको उनको इंग्लिश समझ आती है, हाँ समझ आना ज़रूरी है, आपकी जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब कॉल सुन रहे होते हैं तो आपको समझ आनी चाहिए उसकी, बोलना तो आप स्क्रिप्ट तो वो बोलेंगे, लेकिन जो कस्टमर वहाँ से बात कर रहे होते हैं, पेशेंट वहाँ से बात कर रहा होगा, उसकी समझ आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कॉल सेंटर्स में दो कैटेगरीज होती हैं, एक वॉइस होती है, एक एवाटार होती है। अब जो लोग कॉल सेंटर में काम कर चुके हैं वो जानते होंगे, जो नहीं कर चुके उनको मैं बताता चलूं कि वॉइस जो होती है उसमें आपने अपनी ओन वॉइस में, जैसे आम हम किसी से कॉल पे बात करते हैं तो हम जिस तरह से आम रूटीन में हम बात कर रहे होते हैं उस तरह से आपने बात करनी होती है, वो कस्टमर को आपने अपने जो प्रोडक्ट होगा वो कस्टमर को आपने अपनी कंपेन होगी उसको बेचनी होगी। जो एवाटार होता है, एवाटार में सारा होता है रोबोट सिस्टम,
उसमें आपके सिस्टम में बाकायदा से ये स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आपको बटन्स लगे होते हैं छोटे छोटे, आप इंट्रो का बटन दबाएंगे तो वो सिस्टम खुद ब खुद कंप्यूटर अंग्रेज़ की आवाज़ में वो अंग्रेज़ से बात करेगा, सिस्टम बोलेगा, फिर वो नीचे हर तरह के वो उसमें जो सिस्टम होंगे वो लगे हुए होंगे। एवाटार में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, ना आपको बोलना पड़ता है, ना आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको खाली बटन प्रेस करना है और वो अंग्रेज़ खुद ब खुद बोलेगा। तो ये दो कैटेगरीज होती हैं। तो आइए चलते हैं एचआर के पास और बाकी जो डिटेल है वो आपको एचआर से लेके देते हैं। आइए, तो नाज़रीन हम ऑफिस की एचआर के पास मौजूद हैं। एचआर से हम जानते हैं कि जो फ्रेश एजेंट आता है उसको कितनी सैलरी ऑफर की जाती है, जो एक्सपीरियंस एजेंट आता है उसको कितनी सैलरी ऑफर की जाती है, और जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको किस तरह से ट्रेन किया जाता है, और इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि एचआर ही सब कुछ संभालती है, इंटरव्यू भी ये लेती है, सैलरी भी ये डिसाइड करती है। तो ये सारी आज की जो डिटेल है ये इन्हीं से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि आपके ऑफिस में जो एजेंट आते हैं, सबसे पहले तो उनकी सैलरी हम डिस्कस करेंगे, क्यों आपके पास अगर कोई फ्रेश एजेंट आता है तो उसको कितनी सैलरी ऑफर की जाती है, और अगर एक एक्सपीरियंस एजेंट आता है उसको कितनी सैलरी ऑफर की जाती है। एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया ऑफ द इंटरव्यू, लाइक लेट्स से अ पर्सन इज अपीयरिंग इन द इंटरव्यू एंड दैट पर्सन रियली नोज अबाउट द कैटेगरी एंड वर्क वी आर डूइंग, इट डिपेंड्स ऑन दैट। वी डू कैटर फ्रेशर्स न्यूबीज टू एंड वी डू कैटर एक्सपीरियंस पीपल टू, बट आई रियली प्रेफर द people who are usually non-experienced and new freshers, because you know there is a chance to groom them more, because we arrange proper trainings for them, we give them trainings, we train them accordingly, like everything related to the sales department, CSR department, the digital marketing department in our prospectus. So it totally depends on them. Yes, we don't start from the very big bigger amount, but yes, we do have a different kind of bonuses plan. And whatever you earn, if you go and hit your targets, you can get more and more and more. Other than that, your salary, which is fixed. अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जो एजेंट आते हैं उनको वो बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि हमसे किस तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे, उस पर इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे और किस तरह का इंटरव्यू होगा। तो आप ये बताइएगा, आप जब इंटरव्यू लेती हैं तो इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जो आने वाला कोई बंदा आए तो वो तैयार करके आए तो वो किस तरह से प्रिपेयर करेगा? इसमें दो चीज़ें होती हैं कि प्रिपेरेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड बेसिकली इंटरव्यू इसीलिए लिया जाता है कि हम स्किल्स को मॉनिटर कर सकें। तो अगर हम पहले ही बता देंगे तो ऑब्वियसली वी कांट मेजर दैट स्किल्स अदर पर्सन इज हैविंग। So it is not so difficult. You need to be a little, you know, confident about yourself and thoda sa isko study kar rahe hain ki industry kya hai aur usme kya kya ho raha hai, jo bhi aap job karna cha rahe hain. It is not just here. Wherever you go, as an HR person, I would suggest you, wherever you go in any company you're going for the interview, just go through everything before going there, because it really helps you to understand the interview scenario. सो उसमें ये है कि बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं होती हैं, और न्यू फ्रेशर से तो जस्ट वी वांट के इतना कैलिबर रखता है कि वो हमारी बात को समझ पाए और हमें बात समझा पाए, दैट्स इट। बाकी इट इज़ टोटली डिपेंडिंग ऑन द टीम विच इज़ गिविंग द ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग, सो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। अच्छा, ये बताइएगा, मतलब कि अगर कोई एजेंट आता है तो उसको ट्रेन किया जाता है, अगर उसकी इंग्लिश अगर अच्छी नहीं है? So, usme bhi it's not very difficult, you know, you are provided with a script and you have to go through that script and you have to learn that. Yes, your accent is really, good accent is required. And secondly, we are going for the both campaigns right now. We are going for the vocal voice campaign and we are just going for the avatar campaign. So that's really easy. The employees who are not having that much good English, we prefer them to do avatar thing. So it's okay with them. अच्छा, अगर कोई मेहनत करने वाला एजेंट आता है और वो कंसंट्रेट से काम करता है, फोकस से काम करता है, तो वो आपके एक्सपीरियंस से वो कितना कमा सकता है एक पर मंथ में? जैसे आप कह रही थी बोनसेस वगैरह भी हैं, तो कितना कमा सकता है? देखिए, वी स्टार्ट फ्रॉम 20K एंड देयर इज नो लिमिटेशन, स्काई इज द लिमिट, यू नो, एंड यू कैन अर्न इवन 80K, 90K, 100K, बट इट इज completely depending on your skills and hard work you are doing. Yes. अच्छा, आपने अभी बताया कि 20K से स्टार्ट होती है जो बेसिक सैलरी होती है। लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जो बेसिक सैलरी होती है मोस्टली जो कॉल सेंटर्स में होता है
कि वो आपको हायर कर लेते हैं, आपको कहते हैं आपकी बेसिक सैलरी इतनी है, लेकिन वो आपके लिए कुछ टारगेट्स रख देते हैं कि महीने बाद आप इतनी सेल्स देंगे तो आपको बेसिक सैलरी मिलेगी। तो इसके बारे में आपका क्या वो है कि आप जो है बेसिक सैलरी होती है वो सेल्स के ऊपर होती है, या अगर सेल्स कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं और खुदा ना खासा नहीं होती तो वो बेसिक सैलरी मिलती है? नो, वंस इन अ ब्लू मून मे बी समटाइम्स वी गेट इट दैट ऑब्वियसली यू नो दैट दिस कॉल सेंटर इंडस्ट्री एंड दिस कॉल सेंटर इंडस्ट्री टोटली डिपेंड्स ऑन द सेल्स। So obviously for the very long term we can't cater that. We do give them chances. It is not the very first time that we, if they are not producing work and we are not giving them salaries and everything. Yes, we do cater them, but we really need to tell them that this is the bread and butter for them and for us too. So obviously they need to show some performance. It is not like that we don't pay or we don't do stuff like this, but obviously we need to tell them a thing that if they work good they can get the money. हाँ, अच्छा यहाँ पे ये भी बता देते हैं हम कि इस ऑफिस में कौन कौन सी कंपेन चल रही हैं, और आपने एवाटार और वॉइस का भी बताया, जो नए एजेंट आते हैं उनको पता नहीं होता एवाटार क्या है वॉइस के, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दें कि वॉइस पे कैसे होती है और कंपेन्स कौन कौन सी और एवाटार क्या है। Voice is basically the vocal thing that a person independently do, and he receives the call and everything and transfer the call to the license agent. And avatar is completely different thing. In that avatar we just run with the recording of the things and the script, and if, after that we go like this. Yeah, chalein jazakallah. Ye kuch baatein thi jo aap se share karni thi. HR ka number jo hai aapki screen pe show ho raha hoga, agar aap yahan aana chahte hain तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। ये ऑफिस है रावलपिंडी में, कमर्शियल में मौजूद है ये। अगर यहाँ आना चाहते हैं, इस ऑफिस की भी 3-4 ब्रांचें हैं, तो ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, एचआर बहुत अच्छी हैं, यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। तो आज तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान बासित मलिक को इजाज़त दीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो इस तरह की मोर जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। जज़ाकअल्लाह।